हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट एजुकेशन स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोगों को इस वीडियो में मिलेंगे। और ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ये आगे आने वाले हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में इसमें वन लाइनर क्वेश्चन भी रखे हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों का, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? तो ये किस माह, कितने अवधि तक? एक माह के भीतर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के का भाग 4 के अनुसार, 352(4) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352(1) के तहत की गई आपात स्थिति की घोषणा का अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा एक माह के भीतर हो जाना चाहिए, अन्यथा वह जो घोषणा है वो प्रवर्तन में नहीं रहेगी। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? वो राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का, उपराष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष है? तो उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। संविधान के अनुच्छेद 89(a) के तहत भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उपराष्ट्रपति का जो मुख्य कार्य है वो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना है। अगला प्रश्न आप लोगों का, उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति जो है वो संसद सदस्य नहीं होता है। सांसद यानी नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। अगला प्रश्न आप लोगों का, किसने दो पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? तो ये किसने संभाला था? ये संभाला था डॉक्टर एस राधा कृष्णन ने। किसने? डॉक्टर एस राधा कृष्णन ने संभाला था। और इन्होंने कब से कब तक दो पूर्ण अवधियों के लिए संभाला था? 1952 से 1957 और 1957 से 1962 की दो पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। और इसके बाद इन्होंने 1962 से लेकर के 1967 तक भारत के राष्ट्रपति भी रहे थे ये। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? तो भारत का जो राष्ट्रपति है ये किसका एक अभिन्न भाग है? ये संसद का। भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। संविधान के अनुच्छेद 79 में ये वर्णित है। अगला प्रश्न आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है? तो कौन है? भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में से किसी के भी सदस्य नहीं होता है। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? तो भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय जो मंत्री है वो किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(2) के तहत केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अर्थात जब तक राष्ट्रपति की संवैधानिक इच्छा है पद धारण करते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? तो ये क्या प्राप्त है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अगला प्रश्न आप लोगों का, सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य, तो जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न आप लोगों का, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? तो जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका जो निर्वाचन होता है वो कितने समय के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए होता है। कितने समय के लिए होता है?
छह वर्ष के लिए। राज्यसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या वो कितनी है, 250 है। अगला प्रश्न आप लोगों का, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य, कितने सदस्य, 12 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के उपबंधों के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर कला, साहित्य, विज्ञान एवं सामाजिक सेवा के क्षेत्र से संबंधित जो 12 व्यक्ति हैं उन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया जाता है। अगला प्रश्न आप लोगों का, राष्ट्रपति पद से रिक्त की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है? तो जो उपराष्ट्रपति है वो 6 महीने के लिए कार्य कर सकता है। अनुच्छेद 62 के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु या पद त्याग या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति के भरने के लिए जो निर्वाचन रिक्त तिथि से 6 माह के बीतने से पहले किया जाता है। तो कितने महीने, 6 महीने। अगला प्रश्न आप लोगों का, यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा? तो वो उपाध्यक्ष को, किसी के संबोधित करेगा, उपाध्यक्ष को। संविधान के अनुच्छेद 94(b) के तहत लोकसभा का जो अध्यक्ष है उपाध्यक्ष को संबोधित तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। अगला प्रश्न आप लोगों का, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? तो जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों तो वहां पर कौन काम करता है, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त होने की स्थिति में उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है राष्ट्रपति के जो स्थान पर वहां पर कार्य करेगा। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय संस्था है? तो वो कौन सी है, वित्त आयोग, जो कि अनुच्छेद 280 के तहत आती है। अगला प्रश्न आप लोगों का, पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, ये हुआ था 1991 में। पहले वित्त आयोग का गठन केसी नियोगी की अध्यक्षता में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था, केसी नियोगी की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों के बाद की जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की जो नियुक्ति है वो 5 वर्षों के बाद की जाती है। कितने वर्षों के बाद, 5 वर्षों के बाद। अगला प्रश्न आप लोगों का, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत के आकस्मिकता निधि का जो संरक्षक होता है वो कौन होता है? तो जो आकस्मिक निधि होती है भारत की उसका जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, भारत की आकस्मिक जो निधि होती है उसका संरक्षक राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न आप लोगों का, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्यों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, अनुच्छेद 316(1) के तहत। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के जो अटॉर्नी जनरल है उसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी योग्यता रखने वाले व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। अगला प्रश्न आप लोगों का, निम्नलिखित में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे? तो वो कौन से हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक 3 कार्यकालों में राष्ट्रपति पद पर रहे थे, जिनमें से प्रथम बार तो वे संविधान सभा का अध्यक्ष होने के नाते राष्ट्रपति नियुक्त किए हुए थे और तथा इसके पश्चात 1952 से 1957 में राष्ट्रपति चुनाव में
वो राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न आप लोगों का, निम्नलिखित में से वे व्यक्ति कौन हैं जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं। वो कौन भेज सकते हैं? भारत का राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। कौन है वो? भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न आप लोगों का, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है और यह उसका क्या है? तो यह उसका मौलिक अधिकार है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का एक मौलिक अधिकार है, ये अनुच्छेद 71 के तहत। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत का उपराष्ट्रपति होता है, तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो इसका ऑप्शन भी सही होगा। भारत का जो उपराष्ट्रपति है, नियुक्त किए जाने के लिए किसी व्यक्ति में राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न आप लोगों का, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? तो वो कौन थे? डॉक्टर एन संजीव रेड्डी। कौन थे? डॉक्टर एन संजीव रेड्डी, यानी डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6वें राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित हुए थे और इनका कार्यकाल जो है वो है 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 के मध्य था। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए? तो कौन ये थे? भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत ये 13वें राष्ट्रपति पद के चुनाव में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से पराजित हुए थे। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन था? तो वे थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ये 11वें राष्ट्रपति थे और इनका जो कार्यकाल था वो 2002 से लेकर के 2007 तक रहा और ये एक परमाणु वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न आप लोगों का, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित करता है? तो ये अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। किसके? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है राष्ट्रपति। और जो 44वें संविधान संशोधन के अनुसार सशस्त्र विद्रोह या बाह्य आक्रमण की स्थिति में ही राष्ट्रीय आपात घोषणा की जाएगी। अब तक भारत में 3 बार जो ये है राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। पहली बार लगा था 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था और फिर 1971 में जब भारत पाकिस्तान का हुआ था और तीसरी बार 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था। अगला प्रश्न है आप लोगों का, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो ये कितनी बार की है? 3 बार। राष्ट्रपति ने 3 बार अब तक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। अगला प्रश्न आप लोगों का, किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? तो ये किस वर्ष में? 1975 में आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी। अगला प्रश्न आप लोगों का, संवैधानिक प्रणाली के सफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू किया जाता है? ये अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। अगला प्रश्न आप लोगों का, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो राष्ट्रपति अपना जो त्याग पत्र है वो उपराष्ट्रपति को। किसे? उपराष्ट्रपति को। ये उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र प्रस्तुत करता है अनुच्छेद 56(1) के अनुसार। अगला प्रश्न आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो इनमें से वे कौन सी है जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा सदस्यों के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्तियों के अधीन भारत के मुख्य न्यायाधीश, वायुसेना अध्यक्ष एवं
थल सेनाध्यक्ष को नियुक्त करता है। अगला प्रश्न आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया गया? तो कौन सा है जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है? तो उसका ऑप्शन ए सही होगा, भारत के उपराष्ट्रपति। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, भारत के उपराष्ट्रपति। जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, ऐसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है। संविधान के अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय पदमत के द्वारा होता है। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? तो कितनी कर लेनी चाहिए पूरी? 35 वर्ष। अगला प्रश्न आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं? तो इनमें से वो कौन है जो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं? विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई? तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई यूएसए से। भारत के संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो विधि है यूएसए के संविधान से अपनाई गई, और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है का उपबंध करता है। अगला प्रश्न आप लोगों का, राष्ट्रपति की सेवानिवृत्त आयु क्या है? तो उसकी कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्त की जो आयु है वो उसकी कोई सीमा नहीं है। अगला प्रश्न आप लोगों का, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो संसद के दोनों सदनों का जो संयुक्त सत्र है वो कौन बुला सकता है? लोकसभा, वो बुला सकते हैं राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? ये राष्ट्रपति बुला सकता है अनुच्छेद 108 के तहत, और जो इसकी अध्यक्षता करेगा वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। तो इसका ऑप्शन ये सही होगा। अगला प्रश्न आप लोगों का, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न आप लोगों का, प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो जो अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? 3 साल के लिए। संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा प्रत्येक 6 माह पर पुनः संसद के द्वारा के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर अधिकतम 3 वर्ष तक रह सकती है। अगला प्रश्न आप लोगों का, संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? तो संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत के राष्ट्रपति के पास कितने आपात अधिकार हैं? तो कितने हैं? 3 प्रकार के आपात अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? तो अभी तक कभी नहीं, वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा है। अगला प्रश्न आप लोगों का, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे? ये है अनुच्छेद 360। अगला प्रश्न आप लोगों का, वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? तो वित्तीय आपातकाल जो है वो कितनी अवधि के लिए? कोई अधिकतम अवधि नहीं है। अगला प्रश्न आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है? ये करते हैं राष्ट्रपति। भारत के वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? यह आंतरिक आपात स्थिति जो कि एक बार लागू की गई है। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रपति आपातकाल लागू हो चुकी है? तो ये राष्ट्रीय आपातकाल, यहाँ पर राष्ट्रीय होगा। तो कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है? 3 बार। एक बार हुआ था, ये 3 बार हुआ है, 1962 में जब चीन का युद्ध हुआ था, और 1971 में जब पाकिस्तान से हुआ था, 1975 में आंतरिक अशांति के कारण। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? तो जितनी बार चाहे वो उतनी बार खड़ा हो सकता है। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही अधिकार हैं
जो कि ब्रिटिश राजा या रानी के पास है। किसके पास? ब्रिटिश राजा या रानी के पास। अगला प्रश्न आप लोगों का, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है वो 6 महीने के लिए लागू रहता है। अनुच्छेद 123 के तहत संसद के सत्र में न रहने की स्थिति में राष्ट्रपति किसी तत्काल आवश्यकता के संदर्भ में अध्यादेश जारी कर सकता है और राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार जारी अध्यादेश 6 महीने के लिए लागू रहता है। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो भारत सरकार का जो संवैधानिक अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति है। कौन है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन अपना पद राष्ट्रपति की संतुष्टि के दौरान धारण करता है? ये कौन करता है? राज्यपाल। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? तो संसद के सदस्यों के द्वारा। किसके द्वारा? संसद के सदस्यों के द्वारा। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत के उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके द्वारा चुना गया? तो भारत के उपराष्ट्रपति को ये संसद के सदस्यों के द्वारा चुना गया। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंध में कोई विवाद? तो ये कौन सा है? जो है वो है उच्चतम न्यायालय में अवश्य फाइल किया जाना चाहिए। तो उच्चतम न्यायालय में अवश्य फाइल किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? तो संसद के दोनों सदन। इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो ये किसके द्वारा? संसद के द्वारा। संसद के द्वारा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? राज्यसभा के द्वारा। यहाँ से आप लोगों को बनना क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपने ऑडिट का विवरण किसको प्रस्तुत करते हैं? तो ये भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करते हैं? तो ये भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का, कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? तो कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत के राष्ट्रपति का एक कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का एक कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत के वित्तीय आपातकाल अधिकतम कितनी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है? ये अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत की राष्ट्रपति के चुनाव तथा उसका तरीका किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो संसद के विशेष बहुमत तथा राज्य की सहमति। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसके बारे में है? तो ये राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना इसके बारे में है, अनुच्छेद 356। अगला प्रश्न आप लोगों का, यदि राष्ट्रपति आपातकाल घोषित किया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है, तो उसे प्रत्येक कितने दिनों बाद प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो ये कितने? 6 माह के लिए। अगला प्रश्न आप लोगों का, किसी भी दोषी व्यक्ति को क्षमा अनुदान या उसकी सजा का जो निलंबन या परिहार करने की शक्ति किसको प्राप्त है? ये राष्ट्रपति को प्राप्त है। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारतीय राष्ट्रपति को ले जाने वाले किसी भी हवाई जहाज को बुलाने का संकेत है? ये एयर इंडिया 1। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत की राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? ये संसद हटा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य किसी प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकते हैं, राज्य सरकार के से परामर्श करके। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, राष्ट्रपति किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं? ये आकस्मिक निधि के लिए। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का,
अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां कौन करता है? तो ये कौन करता है? राष्ट्रपति। ये आप लोगों के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे अभी तक पूछे गए एग्जाम्स में, वो आप लोगों को इस वीडियो में करा दिए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।